हाउ आर यू वेलकम टू आवर साइंस फैक्ट चैनल आपका स्वागत है टुडेज सेशन दिस क्वेश्चन विल टेकन फ्राम आर बी एस सी पैटर्न विध साइंस बुक डिफ़ाइन ब्लड प्रेशर एंड इट्स साइन एंड सिम्टम्स इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें डिफाइन करना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके साइन और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो हम जानेंगे तो दिस दिस इज द आंसर फॉर ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल स्पीक इन English, both language for Hindi medium and English medium uh, students. So, you can easily learn this. Blood pressure is generally defined as the force or the प्रेशर ऑफ ब्लड सेल्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग द सर्कुलेशन यू कैन सीन दिस ब्लड प्रेशर इज जनरली ब्लड प्रेशर को हम समानता uh, जो परिभाषित करते हैं डिफाइन करते हैं एज द फोर्स और प्रेशर एक फोर्स के रूप में मीन्स मतलब बल के रूप में या प्रेशर मतलब दबाव के रूप में जो ब्लड सेल्स पे पड़ता है ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर में पाई ज, पाई जाने वाली कोशिकाएँ है होती हैं छोटी छोटी ब्लड सेल्स होती हैं आगे वॉल ऑफ आर्ट्री ड्यूरिंग सर्कुलेशन जब हम जब ब्लड का सर्कुलेशन होता, होता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे ब्लड तो जाता है उस, उसके अगेंस्ट जो प्रेशर या दबाव पड़ता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं दिस प्रेशर डिक्रीज प्रोग्रेसिवली विध डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर इसका वेंट्रिकल से जितनी भी डिस्टेंस होती है वो धीरे 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 क्या करता है घटता जाता है तो ये हमने यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देखा कि डिफाइन ब्लड प्रेशर हाउ कैन डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड इज साइन एंड सिम्टम्स ब्लड प्रेशर इज जनरली डिफाइंड एज द फोर्स और प्रेशर ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्ट्री ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो आर्टरीज़ होती हैं उसके विरुद्ध में जो फोर्स या ब, बल या दबाव जो ब्लड सेल्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं उन पे पड़ता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर डिक्रीज प्रोग्रेसिवली धीरे 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 ये घटता जाता है विद डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से जितनी दूरी होती है वो वहां पे धीरे धीरे क्या होता है घटता जाता है अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं कि हाउ कैन डिफाइन हाउ कैन डिफाइन लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर तो टू टाइम्स ब्लड प्रेशर फाउंड इन आवर सिस्टम सो लो ब्लड प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड हाइपोटेंशन हम लो ब्लड प्रेशर को यहाँ पे हाईपोटेंशन भी कहते हैं इट इज़ दाइन ऑफ एन अंडरलेंग प्रब्लम एंड द ब्लड रीडिंग ऑफ स्फेग्नोमीटर फॉल्स लेस दैन नाइन्टी सिक्सटी तो लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं और ये साइन क्या होता है कि अंडरलेंग प्रम एंड द ब्लड रीडिंग जो ब्लड की रीडिंग आती है स्फैग्नोमीटर के द्वारा जब हम ब्लड को चेक करते हैं तो जो रीडिंग आती है वो क्या होती है नाइन्टी सिक्सटी से भी कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को ही हम कहते हैं हाइपोटेंशन सो लो ब्लड प्रेशर आल्सो कॉल्ड हाइपोटेंशन इट इज़ द साइन ऑफ अंडरलिंग प्रॉब्लम एंड द ब्लड रीडिंग ऑन दिस स्फैग्नोमीटर फॉल्स लेस देन नाइन्टी सिक्सटी ओके एंड देन नेक्स्ट टॉपिक टेक इन हाई ब्लड प्रेशर हाउ कैन डिफाइन हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड इज हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन को भी हम क्या बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं ठीक है लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन में बोलते हैं प्लीज़ कीप इन माइंड इसको याद रखिएगा कि लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपर टेंशन बोलते हैं इट इज़ द साइन ऑफ एन इंक्रीज प्रॉब्लम वेयर देयर इज़ मोर प्रेशर ऑफ ब्लड सेल ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन जब हमारे शरीर में होता है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो ब्लड सेल्स पाई जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा फोर्स या दबाव पड़ता है द ब्लड रीडिंग ऑन द स्फैग्नोमीटर फॉल्स मोर देन वन फोर्टी नाइन्टी मीटर नाइन्टी वन फोर्टी नाइन्टी हो जाता है जो ब्लड रीडिंग होती है इस पे वो क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है वन फोर्टी नाइन्टी से ओके okay? तो ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर है तो इस सेशन में आपने जाना दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आरबीएससी राजस्थान बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से भी जो आपकी ग्रेट टेंथ की का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन डिफाइन ब्लड प्रेशर और वॉट इज द साइन एंड टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर एंड लो लो ब्ल ब्रेशर आल्सो कॉल्ड हाइपो टेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर और आल्सो कॉल्ड हाइपर टेंशन सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन ईजली फाइंड आउट आप मेरे चैनल पर जाएँ और यहाँ पर बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश में भी हैं आपकी डिमांड पर हमने हिंदी में भी बनाए हुए हैं तो आप उसको यू कैन ईजली रीड दिस एंड लर्न दिस एंड नोट डाउन एंड मोर नॉलेजबल टॉपिक एंड बेनिफिट्स फॉर all students for all grade thank you so much subscribe like and more share and press red button and need comment also thank you